हाय एवरीवन, स्क्रैप या कबाड़ी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्क्रैप बिजनेस आइडिया के बारे में। मैं दीपक पटेल myb2bidea.com से इस वीडियो में स्क्रैप या कबाड़ी बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, स्क्रैप कबाड़ी बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, थ्री टॉप बिजनेस मॉडल, ऑपरेशनल प्लान, बिजनेस पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्लान, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस आप एक प्रकार की सर्विस दे रहे होते हैं तो ये सर्विस बेस्ड कैटेगरी में आता है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, कॉलोनीज, बैंक्स, ऑफिसेस इस बिजनेस की टारगेट मार्केट होती है या टारगेट ऑडियंस। इस बिजनेस में कई टाइप के स्क्रैप को कलेक्ट किया जाता है, जैसे पेपर्स, मेटल, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास, प्लास्टिक। फाइनली मार्केट कैसा है, मार्केट की डिमांड कैसी है, तो ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है। ये फेस्टिवल्स, फंक्शंस, इवेंट्स में काफ़ी तेज़ी से चलता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। चलते हैं इस बिजनेस की केस स्टडी की तरफ, क्योंकि इस बिजनेस को पहले से कई लोग कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग करते हैं वो, जैसे हिंदुस्तान ट्रेडर्स। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसमें रिसाइकलिंग, डिसमेंटलिंग जैसे सारे वर्क होते हैं, मतलब ये स्क्रैप कलेक्ट भी करते हैं और उसके बाद रिसाइकल भी करते हैं। राणा आयरन्स, आयरन मटेरियल को कलेक्ट करना और सप्लायर, बड़े डीलर्स, कंपनीज को सेल करना, ये इनका काम है। कबाड़ी वाला .com, ये एक बड़ा नाम है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जो कि लोकल में आपके स्क्रैप को कलेक्ट करता है और फिर उसको रीसेल कर देता है। लोकल में बड़े ब्रांड नहीं आते तो आप इस बिजनेस में अपना नाम आसानी से बना सकते हैं और यही इसका मार्केट गैप है। चलते हैं इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान की तरफ। तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूट में आप संपर्क बढ़ाएं, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहें, आप ऑफिसेस में जहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैप का काम हो सकता है वहाँ पे अपनी कोटेशंस दें, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें और वहाँ पे जो भी टेंडर्स निकल रहे हैं उनमें ज़रूर अप्लाई करें। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने वर्कर्स या स्टाफ्स के लिए यूनिफॉर्म दें, उनको रूल्स समझाएं और उन स्टाफ को रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करवाएं। कुछ आप प्रिकॉशंस भी उनको दें ताकि लोगों के बीच में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बने। बिजनेस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं, जिसको स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्री मॉडल में समझा जा सकता है। तो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है कि ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसको आप अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। कुछ इसमें वीकनेस हैं, जैसे कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, बड़े या ब्रांडेड लोग पहले से इस वर्क को कर रहे हैं, पर ये एक प्रकार का टफ बिजनेस भी है। जी, ये आप ध्यान रखिएगा, एक टफ बिजनेस है। अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, जैसे नई कॉलोनीज, ऑफिसेस जो बन रहे हैं वहाँ पे आप सीधा संपर्क करें और वहाँ के जो कॉलोनाइजर्स हैं उनसे अपने टाई अप रखें। सफाई अभियान जो अभी देश में चल रहा है उसके कारण लोगों के बीच में अवेयरनेस ज़्यादा है। कुछ थ्रीट भी हैं, जैसे आपको जो भी कॉलोनीज या ऑफिसेस टाइप में रखती हैं उनके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टाफ के साथ कुछ मिसबिहेव हो सकता है आपके, और आपके स्टाफ भी किसी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो ये कुछ थ्रीट्स भी होंगे। इस बिजनेस में कुछ पॉलिसीज आप शुरू से बना के चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी में ना पड़ना पड़े। तो
तो वो पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं कि आप किसी का वर्क ले रहे हैं तो आप उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लें, या किसी बड़े जब गवर्नमेंट में हम जाते हैं या किसी बड़े टेंडर की बात करते हैं तो वो हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो उस केस में आपको समझना होगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, किस प्रकार के स्क्रैप में आप डील करना चाहते हैं इसको आप ध्यान रखें, कलेक्शन का मीडियम क्या होगा, किसी को डिस्काउंट देना है तो आप कितना देंगे, स्टाफ की यदि कोई शिफ्ट लगा रहे हैं तो वो शिफ्ट क्या होनी चाहिए, किसी को रिफंड यदि आपको करना है तो उसके क्या रूल्स होंगे, स्टाफ का वर्क करने के नियम आप जरूर बनाएं, और कोई आपको पहले से कोई बुकिंग दे रहा है तो उसके लिए कंडीशंस भी आप अपने पास लिख कर रखें। चलते हैं इस बिज़नेस के फाइनेंशियल प्लान की तरफ, तो यहाँ आपको मैन पावर लगेगा ही, आप लोकल के या बहुत छोटे छोटे लोग इस प्रकार का वर्क अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए करते हैं तो उनसे टाई अप कर सकते हैं और उनको ज़्यादा कमीशन देके उनका सामान सीधा कलेक्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको यूनिफॉर्म्स लगेंगी, शूज़ लग जाएंगे, फर्नीचर आप रख सकते हैं यदि ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं तो, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल घर का, और रेंट भी आप लगा सकते हैं यदि आपको कलेक्शन ज़्यादा करना है तो। कलेक्शन करने के लिए आप वैन या फोर व्हीलर का उपयोग करें और उस पर अपना बैनर लगाएं, इससे आपका पब्लिसिटी भी होती है और आप एक ब्रांड के रूप में पहचाने जाएंगे लोकल में। चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं और इनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको ये डिसाइड करना है कि किस प्रकार के स्क्रैप के वर्क में आपको जाना है और उसको स्टार्ट करना है, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा, मंथली कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप यदि किसी के वर्क को आप ले रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपको बल्क में वर्क दे रहा है या कोई टेंडर आपको मिल जाता है तो उसके लिए आपको कोई डिपॉजिट लेना है तो वो कितना लेना है, स्टाफ की प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना होगा। प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके नाम से किसी के घर में जा रहा है तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हायरिंग प्रोसीजर बहुत स्ट्रांग रखें, नोन पर्सन को ही इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व करें। आई होप इस वीडियो से स्क्रैप या कबाड़ी बिजनेस के बारे में आपको कई सारे एंगल्स के बारे में पता चला होगा। आपके और यदि कोई क्वेरी होती है तो आप हमारी वेबसाइट mybtbidea.com पे विजिट करें और हमारे कंसल्टेंट से सीधे क्वेश्चंस करें। थैंक्स फॉर